हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पी सीरीज़ का तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की ये प्री पी सीरीज़ है। चैनल पे मैंने अभी हाल ही में तीन सीरीज़ स्टार्ट की है, पी सीरीज़, एम सीरीज़ और एक एमपीजीके की सीरीज़। तीनों की तीनों सीरीज़ मध्य प्रदेश के कोई भी एग्ज़ाम और एमपीपीएससी प्री और मेंस को ध्यान में रखकर की गई है। जो प्री की सीरीज़ है, इस बार हमने ये देखा कि अच्छे से अच्छे लोगों ने दिन रात मेहनत भी की है, फिर भी उनका स्कोर वो नहीं कर पाए हैं जो उनका आना चाहिए। तो हम क्यों ना एंड टाइम के लिए बैठे रहें, क्यों हम हर चीज़ को लास्ट महीने पे छोड़ें। इसके लिए मैं वही पॉइंट जो हमने गलतियां की हैं, जो चीज़ें याद होना चाहिए और हम याद नहीं कर पाएँ, तो वो हम पहले ही करके रख लेते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में जो डर रहेगा वो नहीं रहेगा और हमारा रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि इस बार का एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के न्यायाधीश नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ये पी सीरीज़ में, हम ये भी करेंगे कि जितने भी न्यायाधीश हैं उनको ट्रिक से याद कर लेंगे, जितने भी मुख्य सचिव हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, सभी को ट्रिक से याद करेंगे। और हमारे यूनिट में एक यूनिट 10 है जिसमें जितने भी आयोग हैं 15-16, उनके अध्यक्ष जितने अब तक बन चुके हैं उनको भी ट्रिक से कर लेंगे। आज मैं लेके आई हूँ निर्वाचन आयोग के सभी मुख्य चुनाव आयुक्त, ट्रिक से याद कर लेंगे। तो क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं या इनमें से कौन नहीं रहे हैं, तो आप उसका आंसर अच्छे से टिक कर पाओगे। 24 हो चुके हैं, अभी वर्तमान में 24वें हैं सुशील चंद्रा, जिनका नाम है, और फर्स्ट सुकुमार सेन थे। तो फर्स्ट सुकुमार सेन से सुशील चंद्रा वर्तमान 24वें तक आपको ट्रिक्स द्वारा याद करा, बस ट्रिक बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ में एक और जानकारी मैं आपको दे दूँ पहले। फ्रेंड्स, मेरे प्री की नोट्स की बुकिंग आरंभ है। बुकिंग में रेट कम रहता है, बाद में रेट बढ़ जाता है। ये 12 ही मिलेंगी, ये जो लास्ट वाली जो है, इस यहाँ पे भी आपको एक बुकलेट मिलेगी। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, सब भूगोल के, इतिहास के, पॉलिटी के और अर्थशास्त्र के प्रैक्टिस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की एक अलग बुकलेट आपको मिलेगी। इस प्रकार से ये टोटल 12 बुकलेट आपको मिलेंगी, अलग अलग यूनिट की ये रहेंगी। जैसे कि भारत जो यूनिट 5 है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये मध्य प्रदेश की जो भी राज व्यवस्था है, मध्य प्रदेश की जो भी अर्थव्यवस्था है, वो हम बहुत डिटेल में, मैंने बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज इसको कवर किया गया है। खुद हैंड रिटन बहुत सारे नोट्स मैंने इनको तैयार किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इनकी बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग आरंभ हो चुकी है। बाकी ये मेंस की फाइल है, मेंस बुकलेट आपको मिल जाएंगी। मेंस की जो बुकलेट है 39 बुकलेट मिलेंगी, प्लस अगर आप सॉल्ड पेपर लेना चाहते हैं तो आपको 47 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें 8 फाइल सॉल्ड पेपर की शामिल हो जाएंगी। प्री का नोट्स लेते हैं तो उसके साथ आपको प्री का व्हाट्सअप का एक पेड ग्रुप मिलता है, और मेंस की लेते हैं तो आपको मेंस का एक व्हाट्सअप का पेड ग्रुप मिलता है। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, चुनाव आयुक्त कौन कौन से रहे? सुकुमार सेन, के सुंदरम, एसपी सेन, नगेंद्र सिंह, स्वामीनाथन, सकधर त्रिवेदी, आरबीएस शास्त्री, वीएस रमादेवी, पहली जो महिला थी चुनाव आयुक्त, टीएन सेसन, मनोहर सिंह गिल, जेम्स माइकल लिंगदो, टीएस कृष्णामूर्ति, बीवी टंडन, एन गोपाल स्वामी, नवीन चावला, एस वाई कुरेसी, बीएस संपत, एचएस ब्रह्मा, नसीम जैदी, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोरा और सुशील चंद्रा। इतने तो दिमाग में तो बैठाना मुश्किल है। अब ट्रिक सुनना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा तो ट्रिक उस पर डाल देंगे। अब आप सुनिए जो मैं बोलती जा रही हूँ, थोड़ी सी फ़नी ट्रिक ज़रूर लगेगी, लेकिन हमको फ़नी से क्या करना, आपको तो याद करना है अभी से ही, सब कुछ अभी से ही याद करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो केवल मेरे वीडियो पर भरोसे हैं, तो हम वीडियो में इतनी अच्छी तैयारी कर लेंगे कि प्री हमारा निकलेगा ही निकलेगा। तो सबसे पहले ट्रिक अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। तो क्या हुआ था कि चुनाव हो रहे थे, है ना, चुनाव हो रहे थे, तो पहले के जो चुनाव होते थे, तो चुनाव आयुक्त तो जो होते थे पहले के, आपके क्या हो, अभी के क्या होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, मतलब ऐसा अपन को सोचना है मन में कि अभी के क्या होता है, बहुत तेज़ होते हैं। पहले के जो चुनाव आयुक्त थे बहुत सुकुमार से थे, बहुत सुंदर से थे, तो आपको पहले दिमाग में ये उठाना है, इतनी चीज़ मेरी दिमाग में याद रखो। सबसे पहले पहले और दूसरे, सबसे पहले जब चुनाव हुए थे तो जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार थे और सुंदरम थे, सुकुमार से और सुंदरम थे। तो पहले सुकुमार सेन हैं और दूसरे सुंदरम हैं, तो आपके पहले और दूसरे याद हो गए। देखो अभी हमने पढ़ाई पढ़ा है,
कि पहले दूसरे कौन थे, पहले थे कौन, सुकुमार सेन, और दूसरे कौन थे, सुंदरम। तो पहले के जो चुनाव होते थे, वो जो चुनाव आयुक्त होते थे, वो बहुत सुकुमार से और सुंदरम होते थे, है ना। दूसरा पहला दूसरा याद हो गया। फिर क्या हुआ, तीसरी और चौथी बार के चुनाव में थे, तो अब आपको पता है, ऐसे याद रखना है कि पहले के जो मतलब पहला जो दूसरा चुनाव हुआ था, तो वहाँ वो सुंदरम से, सुशील, वो सुकुमार से आ गए थे, सुकुमार से आ गए थे, मतलब छोटे आ गए थे सुंदर से, उनको इतनी मतलब नॉलेज नहीं थी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाए। तो फिर तीसरी और चौथी बार में क्या हुआ कि SP साहब को और डॉक्टर साहब को बुलाया। तो तीसरे में SP थे और चौथे में डॉक्टर साहब को बुलाया। तो तीसरे नंबर के कौन हैं, SP सेन हैं, और चौथे नंबर के कौन हैं, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा। तो आपने क्या दिमाग में बिठाया, आपने क्या याद रखा कि जब पहले और दूसरे चुनाव हो रहे थे ना, तो सुकुमार थे, सुंदर थे, फिर उनसे काम नहीं बना, तो फिर तीसरी और चौथी बार में SP को ही बुला लिया और डॉक्टर साहब को बुला लिया। तो तीसरी और चौथी बार में SP साहब को बुला लिया और डॉक्टर नगेंद्र को बुला लिया। अगर ये चार ऑप्शन आते हैं, SP साहब, मतलब SP सेन, और डॉक्टर नगेंद्र, और सुकुमार, और सुंदरम, अगर ये आते हैं और आपके ऑप्शन में आता है, तो आप कर ही लेंगे। अगला है, फिर पांचवी बार स्वामी जी को चुनाव में कुछ शक हुआ। क्यों क्यों हुआ, क्योंकि पहले और दूसरे बार में कुछ काम नहीं हुआ था, फिर तीसरी और चौथी बार में जब SP साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, तो कुछ अलग तरीके के काम होने लगे थे। तो जब फिर पांचवी बार जब चुनाव होना था, तो स्वामी जी को कुछ शक हुआ, तो पांचवे नंबर पे क्या है, स्वामीनाथन, और छठवे पे क्या है, शकधर, है ना। देखो, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि पांचवे नंबर पे कौन माने छठवे नंबर पे, आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि इनमें से कौन नहीं रहे, है ना। तो आपको याद रखना है, पांचवे नंबर पे कौन आए थे, स्वामीनाथन, और फिर कौन से आए, छठे। क्या हुआ, फिर पहले और दूसरे में सुकुमार और सुंदर आ गए थे, तो फिर उनसे काम नहीं चला, तो तीसरे और चौथे में SP साहब को और डॉक्टर साहब को बुला लिया, तो जिससे कुछ फेरबदल हो गया, कुछ तेज काम हो गए, तो जिससे स्वामी जी को शक हो गया, तो जिससे क्या हुआ, स्वामी जी को शक हो गया। तो पांचवे और छठवे पे कौन थे, स्वामी जी, शकधर हो गए। जिसके बाद सातवीं और आठवीं बार, अब शक हुआ तो क्या हुआ कि जब किसी को कोई चीज़ का शक होता है, तो वो उस चीज़ के ज्ञाताओं को बुलाता है। तो सातवीं बार बुला लिया तीन वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी जी को, और आठवीं बार बुला लिया शास्त्रों के ज्ञाता शास्त्री जी को। तो फिर कौन आए, त्रिवेदी जी आए और शास्त्री जी आए। तो देखो आप, यहाँ पे जब उनको शक हुआ, स्वामी जी को जब शक हुआ, तो कौन आए, त्रिवेदी जी आए, और कौन आए, शास्त्री जी आए। तो फिर उन्होंने किसको बुलाया, जब शक हुआ, स्वामी जी को जब शक हुआ, तो उन्होंने तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी जी को बुलाया, और शास्त्रों के ज्ञाता किसको बुलाया, शास्त्री जी को बुलाया। तो उन्होंने किसको बुलाया, त्रिवेदी जी को बुलाया, और शास्त्रों के ज्ञाता किसको बुलाया, शास्त्री जी को बुलाया। अब क्या हुआ, इतने में भी काम नहीं हुआ, कोई ऐसा आया कि यार किसी से काम ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे को बुलाओ जो चुनाव में रम जाए। जब शास्त्रों के ज्ञाता और तीनों वेदों के ज्ञाता से भी चुनाव अच्छे से नहीं हुए, तो ऐसा कहा गया कि ऐसा किसी को बुलाया जाए जो चुनाव में रम जाए। तो रमा देवी को बुलाया गया, और रमा देवी ऐसे ही पहली महिला भी बनी, तो रमा देवी को बुलाया गया। किसको बुलाया गया, नवी वार में रमा देवी को बुलाया गया। नवी वार से ये भी ध्यान रखिएगा, 90 एक ही साल में ही चली गई थी ये। अब दसवीं में फिर कुछ शेष नहीं रह गया, दसवीं में क्या हुआ, दसवीं में फिर कुछ शेष नहीं रह गया, याद, क्योंकि हमने त्रिवेदी को भी बुला लिया, तीन वेदों के ज्ञाता शास्त्रों को ज्ञाता को बुला लिया, रमा देवी जो पूरी तरह रम गई फिर भी नहीं हुआ, है ना, सब कुछ हमने करके देख लिया, SP साहब भी आ गए, डॉक्टर साहब भी आ गए, स्वामी जी को शक भी हुआ, जिससे उन्होंने त्रिवेदी जी और शास्त्री जी को भी बुलाया। फिर क्या हुआ, दसवीं में जब कुछ शेष नहीं बचा, उसे तो याद रखिएगा, दसवें मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन थे, दसवीं में कुछ शेष नहीं बचा। फिर ग्यारहवीं और बारहवीं बार के जब चुनाव हुए, तो सोचा कि कुछ प्यार भरा करते हैं, तो मनोहर, ग्यारहवीं और बारहवीं बार में मनोहर तरीके के माइकल जैक्सन जैसे डांस करवाए। ग्यारहवीं बार में कौन हो गए, मनोहर, और बारहवीं बार में कौन हो गए, माइकल। तो ग्यारहवीं और बारहवीं बार में माइकल और मनोहर जैक्सन जैसे डांस करवाए गए। ग्यारहवीं और बारहवीं बार में क्या हुआ, माइकल और मनोहर जैक्सन जैसे डांस करवाए गए। फिर भी ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिससे क्या हुआ,
अब आप देखेंगे कि कुछ भगवान के नाम आते हैं इसमें, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ आध्यात्मिक चुनाव करवाए गए। 13वीं से 16वीं तक जब चुनाव हो रहे थे तो कुछ आध्यात्मिक चुनाव करवाए गए। ये आध्यात्मिक चुनाव इसलिए करवाए गए क्योंकि कुछ नवीन चावल आ गए थे। अपन कहते हैं ना, नए नए बच्चे हैं, तो कुछ नवीन चावल आ गए थे, उनसे कुछ नया करवाना, कुछ भगवान को उनको बताना ज़रूरी था। तो फिर क्या हुआ, तो कृष्णामूर्ति और गोपाल, कृष्णामूर्ति, गोपाल स्वामी और टंडन जी से चुनाव करवाए गए। 13वीं से 16वीं के बीच कुछ नवीन चावल आ गए, जिससे कृष्णामूर्ति टंडन और गोपाल स्वामी से पूजा करके चुनाव करवाए गए। फिर क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये सब चुनाव करवाए, माइकल जैसे डांस भी हो गए। फिर 17वीं और 18वीं में देखो, अब कुरेशी, संपत और ब्रह्मा ये है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एक बीच में संपत्ति है, तो कुरेशी ने क्या किया, चुनाव की जो संपत्ति है वो ब्रह्मा और जैदी को दे दी। क्या किया, कुरेशी ने जो चुनाव की संपत्ति है वो ब्रह्मा और जैदी को दे दी, ब्रह्मा और जैदी को दे दी, जिससे ओम की ज्योति जल गई। जिससे क्या हुआ, जब उसने, कुरेशी ने संपत्ति ब्रह्मा और जैदी को दी, तो ओम की क्या हुआ, ओम की ज्योति जल गई। और अंत में चुनाव सुनील और सुशील ने करवाए, क्योंकि 23वें कौन थे, सुनील, और 24वें कौन थे, सुशील थे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते। एक बार और मैं आपको बड़ा बताती हूँ, और आप अपने, अगर आपके पास पूरे चुनाव आयुक्त तो हों तो आप एक बार वो देख लीजिए, या जो मैंने अभी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया, वो एक जगह पे लिखते जाइएगा और फिर पूरे आयुक्त को एक साथ लिख लीजिए और फिर इसको, ट्रिक को एक से दो बार सुन लीजिए, यहीं कर लीजिए, तो आपका निर्वाचन आयुक्त का ये मुख्य चुनाव आयुक्त वाला कौन कौन थे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर आप निर्वाचन आयुक्त से संबंधित जो तथ्य थे वो हम कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें कर लेंगे। सबसे पहले जब चुनाव हुए तो चुनाव आयुक्त सुकुमार और सुंदरम थे। तो पहला कौन हो गया, सुकुमार सेन, दूसरे हो गए सुंदरम। पहला हो गए सुकुमारम और दूसरे हो गए सुंदरम। लेकिन काम नहीं बना तो तीसरी और चौथी बार में एसपी साहब और डॉक्टर साहब को बुलाया। किसको बुलाया, एसपी साहब और डॉक्टर साहब को बुलाया। एसपी साहब और डॉक्टर साहब को बुलाया तो स्वामी जी को शक हो गया। तो एसपी साहब हो गए तीसरे और डॉक्टर साहब, डॉक्टर नगेंद्र हो गए कौन से, चौथे। फिर पांचवी बार में क्या हुआ, स्वामी जी को शक हुआ, तो पांचवे कौन हो गए, स्वामी जी हो गए। और चुनाव शक हुआ तो शकधर कौन हो गए, छठवे, छठवे हो गए शकधर। तो पहले कौन हुए, सुकुमार, दूसरे हुए सुंदरम, तीसरे कौन हुए, एसपी साहब, चौथे हुए डॉक्टर नगेंद्र, पांचवे हुए स्वामी जी और छठवे हुए शक। जिसके बाद सातवीं और आठवीं में तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिवेदी और शास्त्रों के ज्ञाता शास्त्री जी को बुलाया। तो सातवीं में कौन आ गए, त्रिवेदी जी आ गए, और आठवें में कौन आ गए, शास्त्री जी आ गए। पर ऐसा, त्रिवेदी और शास्त्रों के ज्ञाता को ही बुला के कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो नवीं बार में क्या किया कि रमा देवी को बुलाया, क्योंकि ऐसा चाहिए था जो रम जाए चुनाव में। तो रमा देवी आई, और यही रमा देवी निर्वाचन आयुक्त, पहली मुख्य महिला चुनाव आयुक्त थी। अब ये सब करके भी, सब कुछ करके देख लिया, दसवीं बार कुछ शेष नहीं रहा, तो शेषन जो थे, जो दसवीं बार में थे, टीएन शेषन, वो दसवीं बार के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। फिर क्या हुआ, सब कुछ तेज तेज काम कर रहे थे तो कुछ सोचा, कुछ इंटरेस्टिंग सा कराया जाए, तो 11वीं और 12वीं बार में मनोहर तरीके के माइकल जैक्सन जैसे डांस करवाए। यहाँ मैंने माइकल जैक्सन इसलिए लिया है क्योंकि माइकल नाम के जो बारहवें मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था जेम्स माइकल लिंगदोह। तो मनोहर तरीके के माइकल जैक्सन जैसे डांस कराए, तो फिर डांस कराया। अब जब डांस भी करा लिया फिर नहीं, तो सोचा कुछ अब धार्मिक काम कराया जाए क्योंकि कुछ नवीन चावल आ गए थे। फिर कुछ आध्यात्मिक चुनाव आ गए क्योंकि कुछ नवीन चावल आ गए थे। नवीन चावला जो थे, जो 16वें नंबर के थे, और आए तो कृष्णामूर्ति, गोपाल स्वामी और टंडन ने पूजा करके चुनाव आया। फिर क्या हुआ कि कुछ नए चावल आ गए, तो ये भगवान की जो थी, कृष्णामूर्ति, गोपाल स्वामी और टंडन ने पूजा करके चुनाव कराया। फिर क्या हुआ, कुरेशी जो थे वो 17वें नंबर के थे। कुरेशी ने क्या किया, चुनाव की संपत्ति, तो ये संपत जो थे वो 18वें नंबर थे। कुरेशी ने चुनाव की संपत ब्रह्मा और जैदी को दे दी। तो जो ब्रह्मा थे वो 19वें नंबर के थे और जो जैदी थे वो 20वें नंबर के थे। तो
ब्रह्मा और जयदी को दे दी, जिससे ओम की ज्योति जली। जो ओम थे वो 22वें नंबर के थे और जो ज्योति थी वो 21वें नंबर की थी, अचल कुमार ज्योति जिनको बोलते हैं। तो अचल कुमार ज्योति जो थे वो 21वें नंबर पे थे। और अंत में सुनील और सुशील ने चुनाव कराए। तो सुनील अरोरा जो थे वो 23वें नंबर के थे और सुशील चंद्रा जो हैं वर्तमान में हैं 24वें नंबर के हैं। तो आपको ये पूरी ट्रिक आ गई होगी समझ में, एक से दो बार इसको सुनिएगा, पूरा का पूरा जो मुख्य चुनाव आयोग का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह हम सब कर लेंगे पूरे आयोग के, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी आएगा आपसे नहीं छूटेगा। अब एक दिन वीडियो में सभी आयोग हम अलग अलग एक एक आयोग को टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हम पे आयोग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये ट्रिक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगी और किसी भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपने ही बोला है कि व्यू की चिंता ना करें, व्यू तो आप बढ़वाएंगे, तो आप उसको बढ़ाइएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।